राम राम जी, सारा नए, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सारे? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ रितु में आप सभी का स्वागत है। तो इस टाइम पर सुबह सुबह के 9:30 हो गए, जिस टाइम पर मैंने अपना व्लॉग की जो शुरुआत कर दी है और रेडी भी हो चुकी हूँ। ये सूट पहन लिया है, नया सूट है, काफी दिनों में पहन रहा है। और आज मैं हूँ 11 की व्रती। पिछली बार है नहीं है, जब 11 की व्रती रही थी ना, मैं गैस 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 कर गई, क्योंकि वो रवि सारे गैस गैस कर रहे हैं, गैस के व्रती। तो वो गयास है नी, गयास या फिर 11 है नी, तो मैंने पता कौन था, तो ये बेरा लग गया। तो 11 का व्रत रहना काफ़ी पुण्य माना जावे है, तो आज व्रती। हाँ, दूसरा व्रत है। और मैं जाऊँ मामा, और क्योंकि 3 नाना और है ना, तो वो सारी मामी आवेंगी आज वहाँ पे, मामा और के घर पे। तो सारे कथा कुथा जो वो को आवेंगे, बाकी के कुछ वहाँ पे जाकर ने कहा तो नो था कि जल्दी आ जाए, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी काम ईब निपटा है। बस इब नहाई धोई थी, अपना सूट को फिर प्रेस करने लगी। ये जो मैं बुचा दरिया था, वैसे प्रेस कर रख तो रखी थी, लेकिन जब मैं बुच रहा था, फिर जमा पाछे सूटिया में पड़ा था, तो जाते इसका मैंने दोबारा करनी पड़ी प्रेस। तो चलो फिर चलेंगे, पापा का रेडिया चल रहा है। सुबह तो कुछ नहीं खाया, पे बस एक चाय चाय पी थी, और रोटी पानी है जो पापा ने खा भी ली है, और हालत देख ही रहे होगे। मतलब है ना, जब ज़्यादा काम करे ना और फिर खाली पेट, तो भूख बहुत ज़्यादा लगा है। मैं तो है ना 8 बजे रोटी खा लिया करती, जैसे अम्मी जी की साथ साथ में बना दिया करती, पापा जी भी जल्दी रोटी खा ले, मैं तो मैं गिल्ले बना दिया करती, तो खा लिया करती मैं। बाजी भी उड़ा है, कथा को वाले फिर बनाया खाना पीना जो वो खा पीवाँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले घर पूछते ही मखा बता मम्मी के कुछ काम रह रहे हैं, तो बस जो चादर वगैरह है ये बिछानी थी फर्श पे, क्योंकि धरती में बैठ के जो कथा वगैरह है ना वो सुना ही जाया करे, सुनाया करे। तो बस जो घर देखो मैं चादर है जो ये बिछा दूंगी। गई मखा हाँ जा ली थी, और कौन साढ़े आड़ोर को है कोनी। कुआर कुछ जाए के ये वहाँ नू नाले कुआर बंद करिया। अच्छा दोनों मर लगे दोनों तीन हुआ के। अच्छा इसका भी कर दे आड़े हूँ नाना मैं, हाँ। आड़े हूँ मैं। अच्छा फिर ठीक से आ रहा है तो कि मैं डर कोई नहीं ईमानदार कोई भी रापट है किमें पढ़ो किमें लिख लो। इबे तो मैं मेरी मम्मी और आवेंगी, और फिर वो कहानी को आवेंगे। हाँ अच्छा हाँ कहानी को आओगी और फिर फिर शाम चाह किया बा पीवांगे, फिर हाँ। चाह पीवांगे, फिर रांझने शाम किया खावांगे। अच्छा ठीक क्या बात करोगी। अच्छा बेरा नहीं ना ना, मेरा तो मैं तो जितने कहोगे उतने कर लेंगे। दो ढाई है, कहा नारियल बेरा होगा दो एक है, एक जोड़ा हुआ करे दो। तो लिया हाँ एक युवा जो लेगा हाँ ठीक सा। ठीक जी ना सारे काम कि कहानी को आना ली को नहीं आंदी, तू मेरे काम हो बनाएगी। और सीख जा। और नाना हाँ हम तेरा इट सूट गाड़ी ले कहाँ आ है? रहे रोज हाँ हाँ मोटरसाइकिल को ले देना जी है ना ठीक है फिर गाड़ी होगी तो ओए गाड़ी में चलना हो मोटरसाइकिल में। गाड़ी में तो कम लागे, सीएनजी गलवा रखी है, नो तेल तभी सस्ती। तो फॉरवर्ड छोड़ा सही हो करना जरूरी तो होता पता जरूरी है कर ले, अच्छी बात है। मेरे कदे बत्ती गया नहीं करता मुझे नाराज तरे ना भी नाराज है मैं भी कोई नहीं बढ़ती ना रावणी मैं कोई निरंदी पर्वते नहीं रही थी नाम कौन रही, मैं तो बड़ी रही पेटी में क्यों करूं है? आदि को निरंदे के ये छोटी छोटी बहू है बहुत रहूंगी, बहुत एक मार मार का खाम
के करके ये तो भजन गाँव हर गाँव में नाच से कूद है, है? ये तो खुशी हो रही है, अपने की खुशी हो रही है, तेरी तो भूख गई मेरे बेबे गई गई तो गई 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 तो गई है ये वो के आ जाएगी क्या फर्क लग गए फर्क लग गए है ये तो ये को नहीं ना होगा बढ़िया किन्हें कर ले अच्छा हाँ फिर भी हम नहीं ताप तो चढ़ा है ये ताप भी चढ़ लिया बोले कौन सी भी चढ़ लिया पांच टिके लग लिए उस दिन की हो रही है मौसी तो जी दोनों आप सत्र में आई थी और सब कथी थोड़ी थोड़ी मैं भी चार पांच दिन में ठीक हुई थी जब हाँ तेरा जब आ रहा था पानी तो थोड़ो उसमें अगार गई थी अगा पानी क्यों गड़ गई तो जी गार में दसी की बागा तो बोली गौ माता रराई जानिया मन काट दे तो जी जी बोल बोलू मैं तो ससुराल जाऊ मैं तो ना कर दू तो मैं तो गारा को बचा तो जी जी को निकालो चल पड़ो कोई निकाली तो फिर बोलिया गौ माता बोल तेन मैं शराब दूंगी जा आठ पैर भीतर तू गदो बनेगो तो जिसने कहानी को आनी थी वो आई नहीं थी तो इसीलिए हमने फ़ोन में ही चीज़ें चला ली थी। फ़ोन में थोड़ी मंदी आवाज थी तो छोटा सा बूफर रखा है तो इस तरह अटैच करके ना फ़ोन तो इसमें लगा ली थी। ग्यारस की जो कहानी वो है यू है तुलसी है दोनों है तुलसी उधर है पूरब और तब कहानी वगैरह को आया करना है तो हाथ में चीनी और जो तिल हो है ना वो लिया करे तो कहानी के बीच बीच में लोटा पानी का रखा लिया करे तो उसमें डाल दिया करे तो बस वो तुलसी मैया है जो उसमें पानी है जो वो डाल दिया था और उसके बाद में मैंने जो चाय है वो चढ़ा दी है और चाय के साथ में अभी खाएंगे सारे केले और फिर शाम में अपने सामकिया वगैरह है जो भी खाना पीना है वो खाएंगे छोरी पसंद फिरना और ये जम्मा मारेगी के टक्कर हैं सारा झाड़ू निकाल दिया एकदम चकाचक कर दिया मेरी ननंद ने ना। ये मेरी ननंद है इसका नाम मुनिया है मुनिया को निंकिता है और ये झाड़ू मैंने छुपा दिया हमारी मामी में ऐसा आगे क्या हुआ क्या मेरी मामी ने सब्जी चढ़ा दी है भाई मैंने कुछ नहीं करा मैंने से बर्तन धोए और कुछ नहीं करा करा तो ऐसे फिर शाम क्या खाइयो खाना में भी स्वाद दे पाऊंगी ये देखो भाई सब्जी कितनी जमा एंडी लागा है देखने में ये लकड़गी सब्जी लकड़गी यहाँ तो कम में आज पर खानी पड़ेगी तो वो देखो पीछे टोकरा वो मैंने धो दिया है
और वैसे तो मम्मी का 3 बजे फोन आया था, फिर मैं उस टाइम पर नींदा मची आध घंटा मेरी आंख लग गई, फिर मैं एकदम तो उठी तो मुझे उत्तरी का जाना था तो 3:30 बजे तक तो मैं सोई और फिर अम्मी जी का फोन आ गया। मैं बार बार मैं फोन करते ओ टी पी आओ, उन्होंने बोले 5 मिनट बैठ जाओ OTP आओ तो फिर आध घंटा उन्होंने लेट करवा दी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ 4 बजे पास 10 मिनट को, और आते ही मैंने वो टोकरा धो दिया है और सब्जी चढ़ा रखी थी छोटी मामी ने, ये भी सामान ला रही हूँ मैं, गैस तो बैठ गई हूँ, देखा हम खरील करनी जावे गाड़ी होगी तो दूसरी डिक्ची में पानी मिलाना पड़ेगा। बाकी सही है, आसान किया बनावे है बड़ी मामी वहाँ पे परली साइड में जहाँ पे हमारी पहले रसोई आया करती उधर, और अभी इधर आ चुकी है क्योंकि परली बिल्कुल छोटी थी तो इधर सही है सारा सामान वामान आ जाए, भीतर बैठ कर रोटी भी बनाई जावे है, और तो जगह है को नहीं, एक मानस बढ़ जाए तो दूसरा बढ़न में भी दिक्कत हो, इतनी भीड़ी है परली तो। तो वहाँ पर शाम क्या बने सब्जी यहाँ पर बने चुकी है बस यहाँ, और उसके बाद मैं अभी 5 बजे से आ जाऊंगी सारी मामी और मतलब शाम किया रही हूँ खान सब्जी खान बस, और कुछ नहीं कोई खाना। फिर हमारे यहाँ पता के है नू है के है ना जो दूध तो बिल्कुल भी कौन पीना हमारे यहाँ पे, दूध में मतलब हल्दी मिला लिया फिर चाय बना लिया थोड़ी सी पत्ती वगैरह डाल के, बिल्कुल वाइट नहीं पीना प्योर दूध, कलर डाल कर पी लो चाय पी लो या फिर और हल्दी वगैरह डाल लो बस नो पीना है, किसी किसी का दूध पिया करें और यार है दूध नहीं पीने है नहीं। और वैसे इतनी मतलब सख्ताई है इस वक्त में कि मतलब बाल भी नहीं बहाने सिर में कंघा भी नहीं मारना, इतनी सख्ताई है कपड़े भी नहीं धोने, सुई धागा का कोई काम नहीं करना, अगर कोई सच्चे उस तक करे तो सारे नहीं बहाने पड़े हैं, अब अभी तक तो मेरे भी सारे नहीं भरे हैं बालों में, पहला रहा करते खंडे मुंडे, लेकिन जब तक मैं सीरम लाने लग गई हूँ ना इतने सॉफ्ट सॉफ्ट रहा है, बिल्कुल चिकने चिकने बाल रहा है, बाण की भी जरूरत को नहीं आती। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे सारी जो तैयारी है वो करके रख दी है, शाम किया सब्जी भी तैयार है, थाली वाली है कटोरी चम्मच जो सब रख दी है मैंने, और चादर भी बिछा दी है। आप भी खा लो मम्मी, मम्मी यहाँ पे सबने जिमान लग रही है, और यह मामी मैंने सबका पकड़ा दिए है गाल गाल कर दे थी मामी, और ये यहाँ पे सब जिम रहे हैं, घी घेड़ू मामी घी घेड़ू घेर लिया इसमें दिखता तो कोनी घी, और मामी ले आऊं कुछ सब्जी, ले आऊं कुछ मामी। अच्छा ये बालक बच्चे जी मन लग रहे हैं, ग्यारस के जुड़वा व्रत करने थे, एक पहले कर दिया था और एक आज कर दिया है, तो आज जो है सारी जो मतलब नानी और है ना मतलब जो बुजुर्ग लेडी हैं तो उन तय चुंदड़ी वगैरह आकर केले हैं जो वो सब तय बांट के आवे हैं मामी, और मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, घर पे पहुंचते ही कल हमने जाना है चंडीगढ़ सुबह बिल्कुल भागना पड़ेगा, तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं तो वो मैं पहले निकाल कर रख लूँगी ताकि हमने सुबह फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि कपड़े वगैरह वो भी प्रेस करके ना मैंने रात नहीं रख लिए थे, अपने सुबह अपने नहा धोकर जल्दी तैयार होकर जाना था। तो चलो जी फिर अब इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड, मिलूंगे आप सभी को नेक्स्ट अगले व्लॉग में, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दियो कमेंट कर दियो शेयर कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दियो, ओके बाय बाय।